छत्तीसगढ़ में आज का दिन बड़ा राजनीतिक उठापटक वाला रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक तरफ नंदकुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और उसका असर ये कि मध्य प्रदेश में भी अब राजनीतिक हलचल बढ़ती नजर आ रही है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो नंदकुमार साय बड़े आदिवासी नेता के तौर पर वहां पर जाने जाते हैं। कांग्रेस को एक बड़ा फायदा, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, और लगातार हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी के रास्ते, बीजेपी के दरवाजे हमेशा ही नंदकुमार साय के लिए खुले हुए हैं, हम सम्मान उनका लगातार करते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है कि बैठे बैठा एक बड़ा फायदा हो गया, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ की तरफ से एक बयान, उन्होंने कहा कि अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आगे देखे होता है क्या। इसके बाद राजनीतिक अटकलें लगातार तेज होती हुई, ये भी माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये इशारा कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रमुख नेता कर रहे हैं कि कई बीजेपी के नेता हमारे संपर्क में।